कौन सा है थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है? ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी। ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी, वेयर ऑल केसेज यहाँ है, मतलब क्या है? यहाँ लिख लो ऑल केसेज, अगर लिखते हैं ऑल केसेज का मीनिंग क्या है, ऑल केसेज का सिंपल मीनिंग क्या है, मान लो यहाँ पर कर लेते हैं एम इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एम इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सारा केस देखना है हम लोग को, कैसा कैसा केस यहाँ बन सकता है, एम एन पी में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, एम एन पी में क्या क्या रिलेशन बन सकता है, सोचो एक बार। हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, एम इक्वल टू एन रहे, एम इक्वल टू एन रहे, एक कंडीशन हो गया। एक और कंडीशन क्या, एन इक्वल टू पी रहे, ठीक है, ये इंडिविजुअल कंडीशन हम ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें एम इक्वल टू एन गिवन है, एम इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। एक और क्वेश्चन क्या है, एन इक्वल टू पी है, एन इक्वल टू पी है, एम इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंडिविजुअल केस हम ले रहे हैं, तो जब एम इक्वल टू एन किए, एम इक्वल टू एन किए, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यही क्वेश्चन आ गया ना, फर्स्ट वाला ही आया ना। ये सब क्वेश्चन का एक जनरलाइज पैटर्न है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और भी पॉसिबल केसेज है, उसको भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन जब एम इक्वल टू एन करते हैं तो क्वेश्चन क्या पहला जैसा बन जाता है, पहला जैसा क्वेश्चन बन जाता है। या फिर एन इक्वल टू पी करते हैं, एन इक्वल टू पी करते हैं आप अगर, तो बी और सी इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी होना चाहिए। यहाँ देखो एन इक्वल टू पी के लिए हम लोग देख लिए थे, क्या नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी था, ये देख लिए थे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये क्या रहेगा, ये डीसीएफएल बन जाएगा लैंग्वेज, ये डीसीएफएल बन गया, ये क्या है, डीसीएफएल बन गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचा एन इक्वल टू पी है, यहाँ पर भी एन इक्वल टू पी है, तो इसको तो बोले थे कि डीसीएफएल नहीं बनेगा। अरे इसमें दो चीज है, एम इक्वल टू एन और एन इक्वल टू पी दोनों साथ में है, यहाँ क्या हम बोल रहे हैं कि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, दोनों साथ में करेंगे तब जाकर सीएफएल रहेगा, ये दोनों साथ कर दें तब तो सीएफएल रहेगा। ये ऐसे ही बता रहे हैं कि एम इक्वल टू एन है तो डीसीएफएल हुआ, एन इक्वल टू पी भी डीसीएफएल, दो डीसीएफएल का यूनियन लेंगे तो सीएफएल ही होगा, ठीक है। इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मान लो एक कंडीशन केवल रहे, मान लो एक कंडीशन केवल रहे, समझ रहे हो। अब करेंगे क्या, इसके बाद में और क्या केस देखते हैं इससे रिलेटेड केस, एक और देखो सेकेंड वाला जो बना है, सेकेंड कैसे है, एम इक्वल टू पी, एम इक्वल टू पी, ये क्या बनेगा, ए भी डी सी एफ बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई, एम इक्वल टू पी, ए और सी इक्वल होना चाहिए, बी कितना भी रहे, ठीक है, बी कितना भी रहे, यही यहां देखे थे ना, ए और बी इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट इक्वल हो रहा है, बीच में कुछ भी रहे, यही यहाँ फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर रहे हैं, एम इक्वल टू पी, एम और पी है मतलब फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर रहे हैं, बी है जो फ्री है बीच में, डी सी एफ एल हो गया। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, सिंपल देखो, एम इक्वल टू पी के लिए क्या करेंगे, अगर पहला लास्ट इक्वल है, स्टार्टिंग आया ए आया पुश कर रहे हैं, सी बी आया कुछ नहीं कर रहे हैं स्किप कर दिए, सी आया जो पुश किए थे ए को, एक सी के लिए एक ए को हम पॉप करेंगे, दूसरा सी के लिए दूसरा ए को पॉप करेंगे, तीसरा सी के लिए तीसरा ए को पॉप करेंगे, देखेंगे कि स्ट्रिंग मेरा जब ओवर हो जाए तो स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कि ए और सी इक्वल हो गया, जितना पुश किए थे उतना ही पॉप किए, पुश कर रहे थे ए के लिए पॉप कर रहे थे सी के लिए, तो जितना पुश किए उतना उतना ही पॉप किए, इक्वल हो गया अगर तो ए और सी इक्वल है, ठीक है। ये देख लिए हम लोग, ये तीनों केस हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसमें और भी देखो क्या केस है, ये तीनों केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और भी क्या केस है, मान लो ऐसा रहे एम इक्वल टू एन प्लस पी, ये भी तो एक केस बन सकता है, एम इक्वल टू एन प्लस पी, मान लो यहां पर एन का वैल्यू टू है, P का वैल्यू थ्री है, तो M का वैल्यू क्या बना, M का वैल्यू क्या बना, फाइव आ गया, ठीक है। ये भी तो एक केस बन सकता है, M इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है वो कंडीशन, ये भी एक केस बन सकता है। इससे स्ट्रिंग कैसा बनेगा बताओ, M का वैल्यू कितना, फाइव, ये कितना है, फाइव टाइम्स ए ए ए ए ए, फाइव टाइम्स। N का वैल्यू कितना है, टू है, B कितना है, टू टाइम्स बी बी, पी का वैल्यू कितना है, थ्री है, सी कितना है, थ्री टाइम्स सी सी सी, ए स्ट्रिंग एक बन गया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिंग बन गया है।
ठीक है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये सबसे रिलेशन नहीं है कुछ भी, ये अपना एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है, एम इक्वल टू एन प्लस पी रहे, ठीक है। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, सिंपल देखेंगे क्या, सिंपल देखेंगे क्या, एक स्टैक है मेरे पास में, हम क्या देख रहे हैं, एम इक्वल टू एन प्लस पी, एम कहाँ है, एम इस ए पर स्टार्टिंग में है, एन प्लस पी, ये दोनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए, एम इक्वल टू एम क्या है, नंबर ऑफ ए है, एम इक्वल टू एन प्लस पी, एन क्या है, नंबर ऑफ बी, पी क्या है, नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यही हुआ ना, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यही हुआ। हम क्या करेंगे, ए आएगा तो हम पुश करेंगे, ठीक है, यही है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, दोनों को ऐड करना है, हम क्या किए, ए आया तो पुश किए, ए ए ए ए ए कितना है, एक दो तीन चार पांच, पांच ए को हम पुश कर दिए, पांच ए पुश मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, ए किसके बराबर है, किसके बराबर है, जब पहले क्वेश्चन हम देख रहे थे एम इक्वल टू एन था, जब एम इक्वल टू एन था तो क्या कर रहे थे, ए है जो बी के बराबर है, तो ए को अगर हम पुश कर रहे हैं तो बी के लिए पॉप करेंगे, सी में कुछ नहीं करेंगे। दूसरा में क्या था, एन इक्वल टू पी था, मतलब कि बी को हम पुश कर रहे हैं, ए में हम कुछ नहीं किए, बी को पुश किए, सी आया तो बी को हम पॉप कर रहे थे, ठीक है। तीसरा में क्या है, एम इक्वल टू पी, एम इक्वल टू पी, तो ए को हम पुश किए, बी आया तो हम स्किप कर दिए बी को, सी आया तो इस ए को हम पॉप कर रहे हैं, यही काम कर रहे थे। बस वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ क्या है, एम इक्वल टू एन प्लस पी है, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी है, मतलब ए आएगा तो पुश करेंगे, बाकी इसके बाद कुछ भी आएगा हम पॉप करेंगे ए को, मतलब क्या, बी आया ना, एक बी के लिए ए को पॉप किए, फिर से बी आया, फिर से पॉप किए, अब बी खत्म हो गया, सी आया, सी के लिए भी वही पॉप किए, इस सी के लिए भी एक और है, इस सी के लिए भी एक और है, हम यहाँ बॉटम में भी आ गया स्टैक के, और स्ट्रिंग भी ओवर हो गया, मतलब क्या हो गया, ये जो गिवन स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का बिलोंग करेगा। इस लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तो इस लैंग्वेज में तो बहुत सारा कंडीशन हम देने वाले हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन लिखा जाए ए पावर एन बी पावर एन सी पावर पी वेयर एम इक्वल टू एन प्लस पी एंड एम इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी वेयर एम इक्वल टू एन प्लस पी एंड एम एन पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या है, पी भी मान लो, यहाँ पी भी है, एम एन पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन गिवन ऐसा ही है, यही क्वेश्चन ओरिजिनल रहेगा, ठीक है, बाकी कंडीशन कुछ नहीं होगा, यही कंडीशन गिवन होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि एन प्लस पी है, एन प्लस पी एक साथ है, ये इंडिविजुअल है, इसको हम क्या किए, मतलब इस पर डिपेंडेंट है दोनों पर, ये क्या है, जितना ए आएगा उतना ही नंबर ऑफ बी प्लस सी आना चाहिए, तो ए को हम पुश कर दिए, बी और सी सबके लिए हम पॉप कर रहे हैं, काउंटिंग हो गया ना, एक स्टैक से ही हो गया ना, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, पुश पॉप करने में कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए जितना भी आए पुश करते रहो, ए इंड हो गया बी स्टार्ट हुआ पॉप करना स्टार्ट कर दो, बी इंड हो गया सी रहे सी आ गया फिर से पॉप करते रहो कंटिन्यूअस जब तक स्ट्रिंग ओवर ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है पुश पॉप में। तो जब पुश पॉप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग होता है क्या कि डीसीएफएल होगा, किसको पुश करना है किसको पॉप करना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले से ही दिख रहा है हम लोग को लैंग्वेज में, अगर एक कन्फर्मेशन है किसको पुप कर अब किसको मतलब पुश करना है किसको पॉप करना है, यह कन्फर्मेशन गिवन है, कोई इसमें डाउटफुल नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मतलब क्या होगा, लैंग्वेज क्या बनेगा, डीसीएफएल बन जाएगा। अगर पुश पॉप में दिक्कत है, जैसे क्या यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देखे थे सेवेंथ नंबर, इसमें क्या था, एम इक्वल टू एन है तो ए को हम पुश कर रहे थे और बी से पॉप कर रहे थे, या फिर एन इक्वल टू पी है तो क्या किए थे, बी को हम पुश किए थे सी से पॉप किए थे, यहाँ पर क्या था, कभी ए को पुश कर दे रहे हैं, कभी बी को पुश कर रहे हैं, कभी बी से पॉप कर रहे हैं, कभी बी को पुश कर रहे हैं, ये क्या कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है, इसलिए ये क्या लैंग्वेज बना था, ये लैंग्वेज मेरा क्या बन गया था, ये लैंग्वेज बन गया था सी एफ एल, डी सी एफ एल नहीं था। यहाँ पर क्या था, कन्फर्मेशन है,
ए को हमेशा ही पुश करो और बी और सी के लिए ए को पॉप करते जाओ, कोई डाउट नहीं है। जब डाउट नहीं रहे, पुश पॉप क्लियर रहे, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा देख लो पुश पॉप, अगर पुश पॉप ऑपरेशन है जो, अगर क्लियर है, अगर क्लियर है मतलब क्या है, इसका कंफर्मेशन है, इसका कंफर्मेशन अगर है किसको पुश करना है किसको पॉप करना है, तब जान लेना कि लैंग्वेज क्या बनेगा। इससे अगर ऐसा कंडीशन रहे तो लैंग्वेज क्या बनेगा भाई, लैंग्वेज बनेगा डीसीएफएल, लैंग्वेज क्या है डीसीएफएल बन जाएगा। अगर इसमें डाउट है तो क्या बनेगा, सीएफएल रहेगा। फिर इसमें डाउट अगर पुश पॉप में है तो क्या बनेगा, सीएफएल बन जाएगा वो, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए, एक कंडीशन देख लिए, और भी कंडीशन देखते हैं, एक कंडीशन देख लिए और भी कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी टर्नरी वेरिएबल, अगर तीन वेरिएबल रहे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, सारा पॉसिबिलिटी को हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएशन है उसको भी देखते हैं और भी पॉसिबल केस देखते हैं। ये क्या हमारा बन गया, ये बन गया डीसीएफएल, ये बन गया डीसीएफएल, ठीक है। इसके बाद और क्या कंडीशन हो सकता है, एम इक्वल टू एन प्लस पी किए थे ना, मान लो ऐसा कर लें, एम प्लस एन इक्वल टू पी कर लें अगर हम, ठीक है, एम प्लस एन इक्वल टू पी कर लें, इसका मतलब क्या हो गया, एम प्लस एन इक्वल टू पी मतलब क्या हो गया, पी किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, एम प्लस एन के, मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, जितना ए है उसमें ऐड करो जितना नंबर ऑफ सी है, ए और सी, ए और बी का, ए और बी का नंबर को ऐड कर लो, मान लो ऐसा स्ट्रिंग बने, एम एन पी है ना, एम प्लस मान लो एम का वैल्यू 5 लेते हैं, एन का वैल्यू 3 लेते हैं, तो पी का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, पी का वैल्यू कितना हुआ, 8 हो गया। अब इससे एक स्ट्रिंग बनाओ, एम का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 टाइम्स ए आया, 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 3 है, 3 टाइम्स बी आया, 3 टाइम्स बी आया, पी का वैल्यू 8 है, सी कितना, 8 टाइम्स आया, सी सी 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लिए हैं स्टैक, लिए अब हम स्टैक लिए, ए आया तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, अच्छा यहाँ पर लो स्टैक लो, अब बड़ा स्टैक ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा स्टैक ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। ए और बी आएगा तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, सी आएगा तो पॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि सी का जो काउंटिंग है जो इस दोनों के सम के बराबर है, सी का जो काउंटिंग है पी है, सी का काउंटिंग क्या है पी है, P है जो m प्लस n के बराबर है, m प्लस n के बराबर है, मतलब क्या, a आएगा या b आएगा तो पुश करेंगे, क्या किए, a a a a a, 5a हो गया मेरा पुश, फिर b आया, b को भी पुश करेंगे, b कितना है, 3 है, b b b को भी हम पुश कर दिए। अब c स्टार्ट हो गया, c के लिए क्या करेंगे, c के लिए पॉप करेंगे, c कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम बॉटम में चले आए स्टैक के, मेरा स्ट्रिंग भी यहाँ ओवर हो गया है और हम बॉटम में भी चले आए, मतलब क्या हुआ, काउंटिंग हो गया, काउंटिंग कंप्लीट हो गया मेरा, इसका मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज भी क्या रह गया, ये लैंग्वेज भी डीसीएफएल हो गया। कोई कंफ्यूजन हुआ क्या पुश पॉप करने में, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, स्टार्टिंग में ही हम लोग को पता है कि ए और बी आएगा तो पुश करते जाना है, जब सी आएगा तो पॉप कर लेना है, तो कंफर्मेशन रहे मतलब क्या है, डीसीएफएल है, डाउट रहेगा सीएफएल है, ठीक है। ये देख लिए कंडीशन, और देखते हैं क्या कोई वेरिएशन पॉसिबल है इसमें, इसका और भी कुछ वेरिएशन जो पॉसिबल है उसको भी देखते हैं, ए भी हो गया ओवर, ठीक है। अब मान लो और एक और केस लिखते हैं क्या, एम एन पी में कंडीशन लिखना है, हम ऐसा करते हैं, एम प्लस पी इक्वल टू एन, एम प्लस पी इक्वल टू एन अगर हम करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए, एन ए लिख लो, नंबर ऑफ ए, p
पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी। ठीक है, एम एम एन पी तीनों का लिख लिया। अब सिंपल देखो, सिंपल देखो, इससे कोई स्ट्रिंग हम बनाते हैं, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू हम लेते हैं 3, इसका वैल्यू भी 3 लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3+3 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसी एक स्ट्रिंग बनाओ, ठीक है, इसी एक स्ट्रिंग बनाओ। ए का पावर क्या है, एम है, एम का वैल्यू कितना है, 3 है, 3A। उसके बाद में क्या है, बी का पावर एन है, एन का वैल्यू कितना है, 6 है, 6B। कितना हुआ, 6 हो गया, 3×3×6, हाँ 6B हो गया। उसके बाद आया कौन, सी आया, सी का पावर क्या है, पी, सी का पावर पी है, पी का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब कि 3×C आ गया। ठीक है, 3×C आ गया, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, अब चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इसका है या नहीं, कैसे, अस्टैक के हेल्प से। अस्टैक के हेल्प से हम क्या किए, एक अस्टैक हम ले रहे हैं, हम क्या किए, एक अस्टैक ले रहे हैं। ठीक है, एकदम आराम से देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको भी समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ क्या है, सिंपल देखो क्या है, ए आया ना, ए आएगा तो हम पुश करेंगे, क्या भाई ए कितना है, 3 ए है, तीनों को हम पुश कर दिए, तीनों को हम पुश कर दिए। ठीक है, अब क्या है, बी आना स्टार्ट हो गया, नंबर ऑफ बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी के बराबर है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी के बराबर है, कंफर्म है, कंफर्म चीज है कि नंबर ऑफ बी किसके बराबर है, ए जो नंबर है, बी का नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी है। ठीक है, ए आया तो हम पुश कर दिए, अब बी आया, बी आएगा तो हम क्या करेंगे, बी आएगा तो हम क्या करेंगे, बी आया एक बी के लिए, एक एक किए पॉप, फिर से बी आया, फिर से पॉप किए, फिर से बी आया, फिर से पॉप किए। अब स्टैक इम्प्टी हो गया है, लेकिन स्ट्रिंग अभी ओवर नहीं हुआ है, स्ट्रिंग अभी ओवर नहीं हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो जब स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है, स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है, मतलब क्या है कि अब जो बी आएगा, अब जो बी आएगा उसको हम पुश करेंगे, क्योंकि स्टैक इम्प्टी हो गया है। स्टैक इम्प्टी का मतलब क्या हो गया, हम ए को काउंट कर लिए हैं, नंबर ऑफ ए को हम काउंट कर लिए, हम लोग करना क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी करना है, जो नंबर ऑफ बी के बराबर रहे। ठीक है, पहले ए आया हम पुश कर दिए, बी स्टार्ट हुआ एक बी के लिए, एक ए को हम कट करते जा रहे थे, यहां पर ए ओवर हो गया मेरा, स्ट्रिंग अभी भी है। जब ये स्टैक इम्प्टी हो जाए तब क्या करना है, बाकी जो रिमेनिंग बी आया उसको पुश करो, मतलब क्या, इस बी को यहाँ पुश किए, अगला बी आया फिर से पुश किए, फिर से बी आया फिर से पुश किए, अब क्या है, बी ओवर हो गया, बी यहाँ ओवर हो गया है। अब कौन आया, अब सी आया है, अब आया है सी, सी आएगा तो एक सी के लिए एक बी को कट किए, एक सी के लिए फिर से एक बी, एक सी के लिए फिर से एक बी, हम कहाँ चले आए, स्टैक के बॉटम में चले आए हैं, और मेरा स्ट्रिंग भी ओवर हो गया, मतलब क्या, काउंटिंग सही हो गया, काउंटिंग सही हो गया। अब लो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, सिंपल देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी, एन क्या है, एन यहां पर है ना, हम एन का मतलब क्या है, एन इक्वल टू क्या है, एम प्लस पी, यही है ना, एन का वैल्यू क्या है, एम प्लस पी है, हम इसको क्या लिखे हैं, ए पावर एम, बी पावर एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, एम प्लस पी, बी पावर एम प्लस पी हम लिख लेते हैं। ठीक है, बी का पावर, बी का पावर एन है, एन का वैल्यू क्या है, एम प्लस पी तो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, एन का वैल्यू एम प्लस पी, हम बी का पावर एम प्लस पी कर लिए। ठीक है, सी का पावर पी है ना, सी का पावर पी है, ठीक है, यहां पर एम है ना। अब देखो सिंपल देखो, बी पावर एम प्लस पी है, अगर बी पावर एम प्लस पी है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, कैसे भाई, इसको हम लिख सकते हैं बी पावर एम डॉट बी पावर पी, बी पावर पी, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
जब कॉन्कैटिनेट करेंगे बी पावर समथिंग बी पावर समथिंग, तो बी पावर ये दोनों का ऐड हो जाएगा पावर का, एम प्लस पी बन गया। बस यही काम कर रहे हैं कि एम पावर पी को हम इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों को स्प्लिट कर रहे हैं हम, समझ रहे हो, पावर है जो एडिशन में हम स्प्लिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको ए पावर एम बी पावर एम और पी है ना, तो बी पावर एम को हम पहले रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर एम है, यहां पर ए का पावर एम है, तो बी का पावर एम को पहले रखें, डॉट बी पावर पी हम रख लिए बाद में, उसके बाद सी पावर पी। यही मेरा एक्चुअल क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन हम क्या किए, इस एन के लिए, इस एन के लिए एम प्लस पी वैल्यू हम पुट किए, हम क्या किए, इस एन के लिए एम प्लस पी वैल्यू को हम पुट किए हैं, इस एन के लिए एम प्लस पी का वैल्यू को हम पुट किए, ठीक है, एम प्लस पी जैसे ही किए, एम प्लस पी किए, इसको हम स्प्लिट किए हैं, सम है जो, इस सम के फॉर्म में पावर है, इसको स्प्लिट किए, बी पावर एम डॉट बी पावर पी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैक में हम क्या कर रहे थे, ए आएगा ना तो पुश कर लो ए को, बी आएगा ए को पॉप कर लो, ठीक है, यहां तक ओवर हो गया, इसके आगे अब जो बी आएगा इस बी को पुश कर लो, अब सी आएगा सी से पॉप कर लो, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी इतना है, पी बी पावर पी सी पावर पी है, यहां पर ए पावर एम बी पावर एम है, इस ए के बदले इस बी को काउंट किए, इस बी के बदले इस सी को काउंट किए, तो स्टैक में लास्ट में क्या यहां पहुंचे, जब ए को एम ए को पुश कर रहे हैं, एम एम बी के लिए एम ए को हम कट किए, ठीक है, तो यहां पर देखो यही काम कर रहे थे ना, एम ए है, ए को हम पुश कर रहे हैं, ए को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, बी आया बी से हम इसको कट किए, यहां ओवर हो गया, फिर से बी आया, ठीक है, बी पावर पी सी पावर पी है, बी को हम यहां पुश कर लिए, ठीक है, सी आया इसको हम पॉप कर लिए। अब एक चीज बोलो क्या कि अच्छा कभी ए को तो पुश कर रहे हैं और सी से क्या कर रहे हैं, सी से हम पॉप कर रहे हैं, ये कंफर्म है, लेकिन बी को कभी हम पॉप के लिए यूज कर रहे हैं, बी से हम कभी पॉप कर रहे हैं ए को और बी को कभी हम पुश कर रहे हैं, ये तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का मतलब हम क्या बोले, हम क्या बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन का मतलब क्या होना चाहिए, कभी मान लो इस बी को हम पुश कर देते, ए के बाद में बी आया इसको पुश कर देते, तब कंफ्यूजन होता। हम लोग के पास में क्या है, एक लाइन बना है, एक पार्शियल लाइन यहां पर बना हुआ है, यहां पर एक पार्शियल लाइन बना हुआ है, क्या भाई कि जैसे ही ए ओवर होगा, ए को हम पुश करेंगे, इस बी के लिए पॉप करना स्टार्ट करेंगे, ए ओवर होगा मतलब जब हम स्टैक के बॉटम में आएंगे तो बाकी रिमेनिंग बी को पुश करना स्टार्ट कर दो, बाकी रिमेनिंग जो बी है जब स्टैक ओवर हो जाता है बीच में, स्टैक जब इम्प्टी हो जाता है तो रिमेनिंग बी है उसको पुश करना स्टार्ट कर दो। कहां पर बी को पॉप करना, बी के लिए ए को कब तक पॉप करना है और इस बी को कब पुश करना है स्टार्ट करना है, एक इंफॉर्मेशन है, इस बी को कब हम पुश करना स्टार्ट करते हैं, जब ए मेरा ओवर हो जाता है, बी को हम कब पुश करते हैं, जब ए मेरा ओवर हो जाता है, एक कंफर्मेशन है मेरे पास में, कंफ्यूजन नहीं है यहां पर, कोई डाउटफुल नहीं है, ये डाउट नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, जब ए खत्म हो जाएगा स्टैक एम्प्टी हुआ, बी को पुश करना शुरू करो, क्योंकि अब बी के लिए पॉप करने का जगह नहीं बचा है, अब बी के लिए हम ए को पॉप नहीं कर सकते हैं, जितना भी ए था सारा ए पॉप हो चुका है, जितना भी ए था सारा ए पहले ही पॉप हो गया, इसलिए जब स्टैक एम्प्टी हो जाए तो बी बी को क्या किया, बी को हम पुश करना शुरू कर दिए, जब सी आया तो पॉप कर लिए। मतलब क्या है, ए लैंग्वेज जो बनेगा, ए जो लैंग्वेज बनेगा, ए लैंग्वेज भी क्या रहेगा, डीसी एफएल रहेगा। बी को हम कभी पुश कर रहे हैं, कभी पॉप कर रहे हैं, लेकिन कब तक बी को, कब तक बी से हम ए को पॉप करेंगे और कब हम बी को पुश करना स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग को पता है पहले से कि भाई जब ए खत्म हो जाएगा ना तो बी को पुश करना स्टार्ट कर देना, ये पता है हम लोग को, कोई डाउट नहीं है यहां पर, समझ रहे हो बात को।
किस क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, पुश पॉप क्यों कर रहे हैं, कभी बी को पुश करते हैं कभी पॉप करते हैं, जब इसको स्प्लिट करते हैं, जब इसको स्प्लिट करते हैं, एम प्लस पी पावर है, एन के जगह पर हम एम प्लस पी पुट कर दिए, जब स्प्लिट किए तब कहानी समझ में आया कि अच्छा इसके लिए बी को काउंट कर लो, इसके लिए बी एस सी को काउंट कर लो, तब स्टोरी समझ में आया। मान लो इसका ग्रामर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे ग्रामर, हम इसे ग्रामर कैसे लिखेंगे, एक पार्ट क्या है ए बराबर बी, एक पार्ट क्या है बी बराबर सी, यही है ना। हम क्या करेंगे, एस गोज टू एस वन एस टू, एस गोज टू एस वन एस टू, एस वन से क्या करेंगे हम पहला पार्ट ए बी बना लेंगे, एस टू से क्या करेंगे दूसरा पार्ट को हम बना लेंगे। जैसे क्या, एस वन गोज टू ए एस वन बी और नल, एस टू गोज टू बी एस टू सी और नल, ये मेरा ग्रामर बन गया, यही ग्रामर है ना। एस वन के बाद में एस टू है, एस वन से ए और बी हम बना ले रहे हैं और एस टू से बी और सी बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। मान लो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इस ग्रामर से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, देखो एक बार। इसके लिए एक डेरिवेटिव ट्री हम लिखते हैं, एक ड्रॉ करते हैं डेरिवेटिव ट्री को, देखो इस ये जो स्ट्रिंग गिवन है इस स्ट्रिंग को हम इस ग्रामर से कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, ए थ्री टाइम्स आना है, ठीक है। एस गोज टू एस वन एस टू एस वन एस टू, ठीक है। अब ए थ्री टाइम चाहिए, ये कहां से बनेगा भाई, एस वन से बनेगा। अब इस एस वन से ए एस वन बी, फिर एस वन से ए एस वन बी, फिर से एस वन से ए एस वन बी। अब इस एस वन को क्या किए, थ्री टाइम्स ये बन गया ना, अब नल कर लो, एस वन गोज टू नल भी तो है ऑप्शन में, ठीक है। हम क्या किए, नल कर लिए। अब एस टू से बनाना है, एस टू से क्या करना है भाई, एस टू से बी सी बनाना है। कितना बनाना है हम लोग को, कितना बी चाहिए, कितना बी चाहिए, कितना बी के लिए देखें कितना सी चाहिए हम लोग को, सी कितना तीन चाहिए, तो थ्री टाइम्स इसको यूज करना है। इससे क्या बनाए, बी एस टू सी, फिर से बी एस टू सी, फिर से बी एस टू सी, तीन सी बन गया हम लोग को, तीन सी बन गया। अब इससे सारा स्ट्रिंग बन चुका है, सारा स्ट्रिंग बन गया। देखो कैसे बन गया है, कैसे बन गया है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, कितना है ए ए ए, तीन बार ए है, ए ए ए, तीन ए आ गया, उसके बाद नल आया, उसके बाद बी बी बी, तीन बी आ गया, तीन बी आ गया, यहां तक ओवर हो गया। फिर इधर आएंगे बी बी बी, फिर से तीन बी लिखो, फिर ऊपर जाएंगे सी सी सी, फिर से सी सी सी, देखो सेम स्ट्रिंग बना है। ट्रिपल ए सिक्स टाइम्स बी थ्री टाइम्स सी, ट्रिपल ए सिक्स टाइम्स बी थ्री टाइम्स सी। तो लैंग्वेज का ग्रामर कैसे लिखना है वो भी हम देख लिए, साथ में क्या देखे कि डीसीएफएल कैसे हो रहा है, डीसीएफएल कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से पावर को स्प्लिट करोगे समझ में आ जाएगा, कैसे कब पुश करना है कब पॉप करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देख लिए, अब इसे और भी वेरिएशन पॉसिबल है क्या, इसमें इसमें देखते हैं कि और कोई वेरिएशन भी पॉसिबल है क्या। आसान चीज है, समझ जाओ, और जरूर बहुत जरूरी है सी एफ एल टॉपिक में ये समझना बहुत ही जरूरी है। दो चार क्वेश्चन समझ जाओगे फिर सी एफ एल डी सी एफ आ गए, इसको हटा दिए, क्या था ये ऑप्शन, अच्छा जो भी ऑप्शन था कुछ ऑप्शन क्या होगा, एम प्लस एन इक्वल टू पी है ना, एम प्लस एन कहीं लिखा हुआ है भी नहीं, चल रुक जाओ, एम प्लस एन इक्वल टू पी का हम देख लिए थे, शायद ऐसा था एन इक्वल टू एम प्लस पी, हाँ यही था, एन इक्वल टू एम प्लस पी, दोनों का सम था एन इक्वल टू, हाँ यही हो गया, ए डी सी एफ एल बन गया, ठीक है। अब और भी देखते हैं, और भी कोई वेरिएशन पॉसिबल है क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ,
एक और चीज बताओ, मान लो ऐसा रहे, एम एन पी है ना, 2m इक्वल टू एन प्लस पी, मान लो ऐसा रहे, ये क्या लैंग्वेज होगा, कैसा लैंग्वेज होगा ये, क्या बोल रहा है, एन प्लस पी है, एन प्लस पी है जो m का 2 टाइम्स है, इस n प्लस पी का जो सम है जो m का 2 टाइम्स है, m का 2 टाइम्स है। इसके लिए एक और एग्जांपल देखेंगे क्या, जब हम लोग a पावर n b पावर 2n देखते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे काउंट करेंगे, ए लैंग्वेज हम देखे हुए हैं, पहले ए लैंग्वेज देखे हुए हैं, ए कंपेरिजन है, ए और बी के बीच कंपेरिजन है, ठीक है, ए लैंग्वेज, इसके पहले जो एग्जाम्पल देखे थे हम, वहां पर देखे थे इस टाइप के लैंग्वेज को, ए पावर एन बी पावर टू एन, इसके लिए ग्रामर भी हम लिखे हुए हैं। ग्रामर कैसा था भाई, ग्रामर कैसा था, एस गोज टू एस बी बी और नल, अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यही ग्रामर बना था हम लोग का, ग्रामर यही बना था। लेकिन इसको हम काउंट कैसे करेंगे स्टैक में, स्टैक में हम कैसे काउंट करेंगे इसको, DCFL का मतलब क्या है, स्टैक में काउंट होगा, CFL मतलब उसमें भी स्टैक ही है, स्टैक में हम काउंट कैसे करेंगे बताओ, ये मेरा स्टैक है, कैसे काउंट करेंगे, मान लो ए को हम पुश करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, मान लो एन का वैल्यू 4 नहीं लेते हैं, 2 ही लेते हैं, चलो एन का वैल्यू 2 लेते हैं, अगर तो ए कितना आ गया, ए पावर 2 ए, बी पावर 2 एन, मतलब 2 × 2 = 4, बी कितना है 4 टाइम्स आ गया, इसको हम काउंट कैसे करेंगे, ए है जो 2 ही है, बी है 4 है, पुश पॉप करेंगे अगर, तो यहाँ ए पुश किए, फिर से ए आया, फिर से ए को हम पुश किए, बी आया, पॉप किए ए को, फिर से ए को पॉप किए, स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ, देखो ए पुश किए, पुश किए, फिर बी से ए को पॉप किए, फिर से बी से ए को, अभी रिमेनिंग ही है, स्टैक में बॉटम में आ गए, काउंटिंग नहीं हुआ ना, तो एक स्टैक से काउंट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं एक स्टैक से, तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ए कितना है, ए एन है, तो बी कितना है, 2n है, 2n है, एक तरीका क्या है कि स्टैक में क्या करो, स्टैक में ए है ना, ए को पुश कर दो, फिर से ए आया, फिर से ए को पुश करो, अब करो क्या, 2b के लिए एक ए को कट करो, मतलब क्या, 2b है, एक ए कट किए, फिर से 2b आया, फिर से एक ए को कट किए, यहां भी बॉटम में आ गए, स्ट्रिंग ओवर हो गया, या फिर एक और तरीका, ये भी एक तरीका है, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है कि एक ए आएगा तो 2 ए को पुश करो, ए आया ना, 1 ए आया तो 2 ए को हम पुश कर देते हैं, फिर से ए आया, फिर से हम 2 ए को पुश कर देते हैं, ठीक है, अब एक बी के लिए एक है, 4 बी है, 1 2 3 4, 4 ए को पॉप कर दिए, यहां पर या तो ऐसा करो कि 2 बी के लिए एक ए को कट करना है, या फिर एक ए के लिए 2 ए पुश करो, ए को पुश करने में ट्वाइस कर दो हमेशा ही, जब ए को हम पुश कर रहे हैं, या फिर जब 2 बी आ रहा है तब एक ए को कट कर रहे हैं, एक स्टैक से काउंटिंग हो रहा है, मतलब क्या है, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, अरे एक ए के बदले 2 ए पुश करना है, क्या कंफ्यूजन है इसमें, या फिर एक और तरीका क्या बताए कि 2 बी के लिए एक ए को पॉप करना है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये ए डी सी एफ एल बन गया, ए डी सी एफ एल बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो वही बात हम बता रहे हैं, यही बात हम बता रहे हैं कि इस टाइप का अगर लैंग्वेज रहे कि ट्वाइस रहे, मान लो यहां थ्राइस ही रहता, मान लो यहां पर ट्वाइस नहीं थ्राइस रहता, क्या करते भाई, एक ए के लिए 3 ए को करेंगे, 1 ए के लिए 3 ए पुश होगा, 3 टाइम्स ए पुश करेंगे, तो यहां पर 2 ए है, कितना पुश हो गया, पहला के लिए 3 ए, दूसरा के लिए 3 ए, टोटल 6 ए पुश हो गया, 6 ए पुश हो गया, ठीक है, यहाँ क्या है, 3 एन है, 3 एन है, मतलब क्या है, 6 बी होगा, 3 × 2 6 बी होगा, ये होगा ना, 6 बी के लिए क्या करेंगे, 6 ए पुश किया हुआ है ना, सबको पॉप कर देंगे, इंड हो गया, स्टैक को इम्प्टी हो जाएगा और स्ट्रिंग भी ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लैंग्वेज क्या बन गया, DCFL है। इस टाइप के लैंग्वेज को डील कैसे करना है, इस टाइप के लैंग्वेज को कैसे काउंट करते हैं स्टैक में, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं,
ये देख लिए, इस टाइप का चीज हम वहां यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम बताए। ग्रामर इसका पता है ही, ग्रामर लिख भी दिए अभी। अब देखो एक और चीज क्या, यहां क्या है, एन प्लस पी का जो सम है किसका ट्वाइस है, एम का ट्वाइस है, एम का ट्वाइस है। अगर यहां पर एम का वैल्यू हम लेते हैं, एम का वैल्यू मान लो 2 लेते हैं हम, ठीक है, तो इस 2m का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया। मान लो यहां पर n का वैल्यू 1 है तो p का वैल्यू कितना होगा, टोटल 4 है, ये 1 हो गया, तो p का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब इससे एक स्ट्रिंग बनाओ, इससे एक स्ट्रिंग बनाओ, क्या है, m का वैल्यू कितना है, 2 है ना, m का वैल्यू 2 है ना, तो a पावर m है, a पावर m है, तो कि 2 बार a ले लिए, ठीक है, b पावर n है, b पावर n है, n का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 1, तो b को 1 लिए। फिर से c पावर p है, p का वैल्यू कितना है, 3 है, p का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब c 3 टाइम्स आ गया, ठीक है, यही स्ट्रिंग बन रहा है, ए स्ट्रिंग बन रहा है। हम लोग का करना है, हम लोग करना क्या है, यहाँ 2 टाइम्स है ना, 2m है ना, 2m के बराबर हुआ है ना, हम लोग करेंगे क्या, जब a आया, जब a आया, वन a के लिए 2 टाइम्स हम पुश करेंगे, वन a के लिए 2 टाइम्स पुश करेंगे, a पहला a आया तो 2a हम पुश कर दिए, फिर से a आया, फिर से 2a हम पुश कर दिए, b आया, एक b के लिए 1 को हम कट किए, फिर c फिर से कट किए, फिर से सी फिर से कट किए, फिर से सी फिर से कट किए, हम यहाँ बॉटम में भी आ गए, स्ट्रिंग भी ओवर हो गया, बॉटम में भी आ गए, स्ट्रिंग भी ओवर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब क्या है, ए लैंग्वेज क्या बन गया, ए लैंग्वेज भी DCFL बन गया। इस टाइप का कंपेरिजन रहे तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस बात को समझ लो, जब कभी ऐसा रहे कुछ मल्टीपल में गिवन है तब, ठीक है, और देखते हैं इसमें और भी क्या केस पॉसिबल है, देखते हैं आराम से, देखो कहीं नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिप्ले कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल बता चुके हैं, बहुत सारा एग्जांपल बता चुके हैं, अब थोड़ा तो फास्ट होना ही पड़ेगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है, इसलिए आप समझ में आ भी रहा होगा, इतना सारा एग्जाम्पल देखने के बाद में आराम से समझ में आएगा, ठीक है, बेसिक सब कुछ पता है हम लोग को। अब इसके बाद में मान लो ऐसा रहे, इसमें मान लो यहाँ 2 लगा है ना, कहीं और कुछ रहे, ठीक है, m इक्वल टू 3n प्लस p, मान लो ऐसा रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, मान लो p का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू मान लो 1 मानते हैं, चलो 1, n का वैल्यू 2 है, तो 3n का वैल्यू क्या होगा, 3n का वैल्यू क्या हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, ठीक है, टोटल 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, m का वैल्यू कितना हो गया, 7। अब इसे स्ट्रिंग बनाओ, m का वैल्यू कितना है, 7 है, a कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स a लिख लिए, ठीक है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 मतलब b कितना, 2 टाइम्स b, p का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू कितना है, 1 है, तो p c कितना टाइम्स आया, c 1 टाइम आया, यही बना है मेरा, a बन गया, ठीक है। अब करना क्या है, हम लोग इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, इसका दो तरीका है काउंट करने का, यहाँ m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 7 है ना, यहाँ पर देखो c के लिए कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई है क्या, p में कुछ मल्टीप्लाइड है क्या, p के पहले कुछ है क्या मल्टीप्लाइड, बताओ, p के पहले कुछ भी नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब कि m और p का सिंपल रिलेशन है m और p के लिए, एक m के लिए एक p रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक m के लिए एक p रहेगा, प्रॉब्लम कहाँ पर है, n के साथ में प्रॉब्लम है, n क्या है, 3 टाइम्स बन रहा है, n क्या बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, मतलब क्या, n किसका पावर है, b का पावर है, हम क्या करेंगे, a जितना है सबको पुश कर लो, a जितना भी है सबको पुश कर लिए,
कितना हो, 1 2 3 4 5 6, एक और 7, ठीक है 7 है, एक को हम पुश कर लिए, टोटल एक को हम पुश कर लिए यहाँ तक, ठीक है। अब एक बी आया, ये हम पुश कर दिए ना सब, ए सब मेरा पुश हो गया। अब एक बी आया है, बी कितना 3 टाइम्स एन बन रहा है, एक बी के लिए 3 ए को कट करो, एक बी आया ना 3 ए हम कट किए, एक बी के लिए। दूसरा बी आया, फिर से 3 ए हम कट कर दिए। सी आया, इस ए को कट किए, क्यों 1 बी के लिए 3 टाइम्स ए क्यों कट किए, कि आप देख रहे हैं कि एन का 3 टाइम्स है, एन का 3 टाइम्स है, इसलिए 1 बी के लिए 3 टाइम्स ए कट किए। फिर से बी आया, फिर से 3 टाइम्स ए कट किए। पी आया, पी है जो पी के पहले कोई नहीं है, मल्टीप्लीकेशन क्या है 1 है, मतलब क्या है पी ए का आएगा, एक सी आया तो एक सी को, एक ए को हम कट कर दिए। स्टैक के बॉटम में हम चले आए, यहाँ स्ट्रिंग भी ओवर हो गया। ए लैंग्वेज कैसा बनेगा, ए लैंग्वेज कैसा बनेगा, ए लैंग्वेज भी डी सी ए फिल रहेगा, ए लैंग्वेज भी डी सी ए फिल हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक और वेरिएशन, देखते हैं ये सब देख लिए किस तरीके से रहेगा, एक और वेरिएशन देखो। एक और वेरिएशन इसका क्या पॉसिबल है, मान लो ऐसा रहे एम इक्वल टू एन इक्वल टू पी, एम इक्वल टू एन इक्वल टू पी, तीनों इक्वल है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी दोनों ही, तीनों ही इक्वल है, ठीक है। इसका स्ट्रिंग कैसे बनेगा, मान लो एम का वैल्यू 2 लेते हैं, एन का वैल्यू क्या हो गया, ए भी 2 हो गया, ए भी 2 हो गया, ठीक है, सब 2 है, मतलब स्ट्रिंग कैसा है, ए बी बी सी सी, ऐसा स्ट्रिंग बन गया। अब देखो इसको स्टैक से काउंट करने की कोशिश करो, ए आया पुश करो, ए आया भाई पुश कर दिए, खत्म हो गया। बी आया पॉप करो, एक बी के लिए ए, इस बी के लिए इसे, अब यहाँ डेटा नहीं है। नंबर ऑफ सी हम कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सी हम कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सी के डेटा ही नहीं बचा है, मतलब क्या है कि लैंग्वेज को हम एक स्टैक के हेल्प से हमें काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टैक के हेल्प से हमें काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये लैंग्वेज क्या रहेगा, ए लैंग्वेज सी ए फिल भी नहीं है, ए लैंग्वेज सी ए फिल नहीं है, ए लैंग्वेज सी ए फिल नहीं है। अब देखते हैं सी ए फिल नहीं है, इसलिए मैं फिर से लिखो इसको स्ट्रिंग को, ए बी बी सी सी, ऐसा लिखते हैं, फिर से देखते हैं सी ए फिल नहीं है तो क्या है, आखिर सी ए फिल नहीं है तो क्या है, ठीक है, फिर से हम इसको देखते हैं एक बार, मान लो देखते एक स्टैक लिए तो नहीं हुआ था ना, 2 स्टैक हम लेते हैं, हम 2 स्टैक लेते हैं, ठीक है, ए आया हम पुश कर दिए, फिर से ए आया हम पुश किए, ठीक है। अब बी आया, अब 1 बी के लिए 1 ए को कट करते हैं, बी को यहां पर पुश करते हैं, एक बी के लिए 1 ए को पॉप भी करते हैं और सेम इसी बी के लिए पुश भी करते हैं, 2 काम कर रहे हैं हम, बी से 2 काम कर रहे हैं, बी से हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक बार पॉप भी करते हैं और उस बी से को पॉप पुश भी करते हैं, पुश पॉप दोनों काम हम कर रहे हैं, ठीक है। एक बी को हम लेते हैं, एक बी के लिए हम यहाँ पुश कर लिए और उसी बी के लिए इसको हम कट भी किए, फिर से एक बी आया है ना, इसके लिए बी को हम पुश कर लिए इसमें और इसी बी के लिए ए को हम कट भी कर दिए, ए मेरा स्टैक ओवर हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है, ए स्टैक में अभी भी है। अब क्या किए, सी आया ना, इस सी के लिए इस बी को, इस सी के लिए इस बी को, काउंट हो गया, दोनों स्टैक भी मेरा ओवर हो गया और स्ट्रिंग भी खत्म हो गया, 2 स्टैक के हेल्प से हमें काम कर पा रहे हैं। एक स्टैक के हेल्प से क्या देखे थे कि सी है जो रिमेनिंग रह जाता है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन 2 स्टैक के हेल्प से हम कर रहे हैं, 2 स्टैक के हेल्प से अगर कर पा रहे हैं तो लैंग्वेज क्या रहेगा, लैंग्वेज जो रहेगा उसको बोलेंगे सीएसएल लैंग्वेज, सीएसएल लैंग्वेज है। 2 स्टैक के हेल्प से अगर हम कर रहे हैं तो लैंग्वेज क्या बन जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या बन जाएगा, सीएसएल लैंग्वेज बन जाएगा, समझ रहे हो बात को, एक स्टैक के,
सिंपल सीएफएल में क्या है, सीएफएल मतलब कि एक स्टैक के हेल्प से हम काउंट कर लेंगे। सीएफएल का सिंपल मीनिंग है वन स्टैक के हेल्प से काउंटिंग हो जाना चाहिए। अगर एक स्टैक के हेल्प से काउंटिंग नहीं हो पा रहा है मतलब कि सीएफएल नहीं है। सीएफएल नहीं है तो डीसीएफएल का तो बात भी ना करेंगे, क्योंकि डीसीएफएल होने के लिए पहले सीएफएल तो होना चाहिए, तब डीसीएफएल होगा। भाई सीएफएल नहीं है तो क्या है, दो स्टैक का अगर हम यूज कर पा रहे हैं, दो स्टैक के हेल्प से अगर हम काउंट कर ले रहे हैं तो लैंग्वेज क्या है, सीएसएल लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, सीएसएल किस फॉर्मेट में रहेगा समझ में आ रहा है। डीसीएफएल कैसा लैंग्वेज था, डीसीएफएल देखो कैसा लैंग्वेज था, सीएफएल लैंग्वेज कैसा रह रहा था, सीएफएल देखो लैंग्वेज देखे हैं, सीएफएल लैंग्वेज भी यहाँ पर देखे हैं एक हम, बाकी सब सीएफएल भी है लेकिन ये लैंग्वेज है जो सीएफएल है, डीसीएफएल नहीं है। अभी जो हम लैंग्वेज देखे हैं, यहाँ जो कंडीशन हम देखे, एक कंडीशन क्या है, सीएसएल का कंडीशन है, सीएफएल नहीं है, क्योंकि एक स्टैक के हेल्प से हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। और सिंपल देखो, मान लो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं एक, अच्छा दो स्टैक के हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, एक बार देखते हैं कि दो स्टैक के हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या भाई, मान लो ऐसा रहे ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, डी पावर एन, ई पावर एन, मान लो ये ऐसा रहे, पांच अल्फाबेट है, ठीक है, सबका पावर एन है मतलब सबके सब इक्वल है, काउंट करना है इसको, ठीक है, काउंटिंग करना है। सिंपल देखो, मान लो एन का वैल्यू टू रहे, एन का वैल्यू टू रहे, स्ट्रिंग कैसा होगा, ए बी बी सी सी डी डी ई, यही स्ट्रिंग बनेगा, यही स्ट्रिंग बनेगा। हम लोग के पास में क्या है, हम लोग के पास में क्या है, दो स्टैक है। एक स्टैक से हो सकता है क्या, एक स्टैक से नहीं होगा, क्योंकि ए को हम पुश करेंगे, बी के लिए पॉप कर लेंगे, सी डी सब रह जाएगा ऐसे ही। एक स्टैक से तो नहीं कर सकते हैं, एक स्टैक से करना चाहेंगे, ए को हम पुश किए, बी के लिए हम ए को पॉप किए, सी डी के लिए क्या करेंगे, अब डेटा ही नहीं बचा है स्टैक में, ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो स्टैक के हेल्प से कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं या नहीं, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। दो स्टैक में अगर हम आते हैं, ए आया ना, ए आया तो ए को हम पुश करते हैं, फिर से ए आया, फिर से ए को हम पुश कर दिए, ठीक है, ए खत्म हो गया। बी आया, बी को हम, बी आया तो हम पुश भी दूसरे स्टैक में करते हैं, एक पॉप करते हैं, फिर से बी आता है, जब फिर से जब बी आता है हम पुश करते हैं और ए को पॉप करते हैं, मतलब इस बी से ए को काउंट भी कर लिए और नंबर ऑफ बी का डेटा भी स्टोर कर लिए, नंबर ऑफ बी कितना है इसको हम स्टोर भी कर लिए दूसरा स्टैक में। अब ये स्टैक है जो एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब आता है सी, सी आया, इस सी के लिए स्टैक एम्प्टी है ना, यहां पर हम सी स्टोर कर लेते हैं, एक बी को कट कर लेते हैं, फिर से सी आया, फिर से यहाँ सी स्टोर किए, इस बी को कट कर लिए, सी से हम क्या किए, बी को काउंट भी कर लिए और नंबर ऑफ सी कितना है उसको हम स्टोर भी कर लिए हैं, ये स्टैक एम्प्टी हो गया, लेकिन यहाँ पर डेटा भी है मेरा कि नंबर ऑफ सी कितना है। जब डी आया तो डी के लिए हम क्या करेंगे, डी यहाँ स्टोर कर लो और एक सी को कट कर लो, फिर से डी आया, डी यहाँ स्टोर कर लिए, एक सी को कट कर दिए, फिर से ई आ रहा है, इस ई के लिए, इस ई के लिए ई को यहाँ स्टोर कर लो, स्टोर कर लो, डी को कट कर दिए, फिर से ई आया है, फिर से ई आया तो ई को यहाँ स्टोर किए और इस डी को कट कर लिए। मान लो यहाँ एफ भी ऐसा रहता, क्या होता, इस एफ के लिए नंबर ऑफ ई यहाँ है पहले से ही, काउंटिंग है मेरे पास, इस एफ के लिए ई को कट कर लिए, फिर से एफ के लिए ई को कट कर लिए, दोनों स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। मतलब क्या समझे कि लास्ट जो रहेगा अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट जो रहेगा, जैसे यहां पर ई था, ई से हम खाली कट करेंगे, ई को हम यहाँ स्टोर नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंड हो रहा है, जान रहे हैं कि लास्ट मेरा ई ही है, ई के लिए हम स्टोर नहीं करेंगे, जैसे यहाँ एफ इंड हो रहा है, एफ के लिए स्टोर नहीं करेंगे, एफ के लिए स्टोर नहीं करेंगे। दो स्टैक होने से क्या है, एक स्टैक में हम काउंटिंग कर रहे होते हैं और दूसरा स्टैक में हम डेटा काउंट को स्टोर कर रहे होते हैं, काउंट का जो वैल्यू है दूसरा स्टैक में हम स्टोर कर रहे होते हैं, एक में हम पिछले वाले अल्फाबेट को काउंट कर रहे होते हैं,
दोनों काम हो जाता है। तो ये लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज हो गया सीएसएल लैंग्वेज, हो गया सीएफएल नहीं है। सीएफएल सीएसएल में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सीएसएल क्या है भाई, दो अस्टैक का यूज करना पड़ेगा तब काउंट करेंगे, एक अस्टैक में पॉसिबल नहीं होता है। तो सीएसएल में क्या है, दो अस्टैक रहता है। सीएफएल में क्या, एक ही अस्टैक रहता है। सीएफएल लैंग्वेज के लिए एक ही अस्टैक है, एक ही मेमोरी रहता है, एक अस्टैक का मेमोरी रहता है, लेकिन सीएसएल में दो अस्टैक का मेमोरी रहता है, इसलिए सीएसएल कर लेता है वो काम, सीएफएल नहीं कर सकता है। डीसीएफएल में क्या है कि एक ही अस्टैक है, वो भी डेफिनेट है किसको पुश करना है किसको पॉप करना है, पुश पॉप है जो डेफिनेट है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग, सीएसएल का भी कुछ एग्जांपल देख लिए यहाँ पर, बेसिक डिफरेंस क्या है। सीएसएल लैंग्वेज और पढ़ेंगे भी आगे, सीएसएल को और डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल साथ में हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसमें जितना भी वेरिएशन था लगभग सब कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, जितना वेरिएशन इसमें पॉसिबल था लगभग सब कवर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड मेरा ओवर हो गया। आई थर्ड क्वेश्चन में जितना कुछ भी बताए हैं, अगर ये समझ में आ गया होगा सबके सब केस, तो जान लो सीएफएल डीसीएफएल में कोई दिक्कत ना होगा, और साथ में सीएसएल भी बताए हैं, सीएसएल भी समझ में आ जाएगा सीएसएल क्या लैंग्वेज एक्चुअल में है। ठीक है, मेरा थर्ड क्वेश्चन ओवर हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्या है। अच्छा, एक और चीज देखो, क्या क्या ओवरऑल हुआ है। मान लो इस लैंग्वेज पर हम आते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज यहाँ है ए पावर एन बी पावर एन, क्या है ए पावर एन बी, बी पावर एन क्या होता है, ए डी सी एफ लैंग्वेज है, यूनियन ए पावर एन बी पावर टू एन, क्या है ए बी डी सी एफ एल है। दो डी सी एफ एल लैंग्वेज का यूनियन क्या होगा बताओ, दो डी सी एफ एल लैंग्वेज का यूनियन क्या होगा, दो डी सी एफ एल है उसका यूनियन क्या होगा, डी सी एफ एल तो नहीं होगा, क्योंकि और है ना, एक तरह से क्या है, कभी स्ट्रिंग इससे बिलोंग करेगा, कभी इससे बिलोंग कर रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें ओ वन ए के लिए ओ वन ए पुश करो, बी के लिए ए को पॉप करो, यहां पर क्या है ओ वन ए के लिए 2a को पुश करना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ b है जो 2n है, या फिर 2b के लिए 1a को पॉप करना है जो अभी हम बताए हैं यहां पर। तो कभी इसमें जा सकता है, कभी इसमें जा सकता है स्ट्रिंग, मतलब क्या है यूनियन ऑफ, ये क्या है यूनियन ऑफ टू डीसीएफएल लैंग्वेज, क्या बनेगा सीएफएल बन जाएगा, ये लैंग्वेज क्या बन गया सीएफएल लैंग्वेज बन गया, ये अभी हम समझ लिए थे हम लोग। ठीक है, अब थर्ड हो गया, बचा है कौन, फिफ्थ भी मेरा हो ही गया। ठीक है, फिफ्थ भी अभी हम कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब कौन सा बचा, फोर्थ और सिक्स्थ बचा है। ठीक है, अब हम फोर्थ में आते हैं, फोर्थ के लिए हम देखते हैं, फोर्थ के लिए देखते हैं। ठीक है, क्या है ए बी सी डी एम एन पी क्यू, ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी डी पावर Q, where M, N, P, Q greater than equal to zero लेकर चलते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और है कंडीशन, वो कंडीशन इलिमिनेशन कंडीशन में हम लोग देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, M, N, P, Q है, इसमें क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, मान लो ऐसा कंडीशन आता है, मान लो एक ऐसा कंडीशन रहे, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसके बेसिस पर हम पहला क्वेश्चन को ले रहे हैं, m इक्वल टू n एंड p इक्वल टू q, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है भाई m इक्वल टू n p इक्वल टू q, इसका मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b, यहां पर क्या होगा नंबर ऑफ c इक्वल टू नंबर ऑफ d, क्योंकि p इक्वल टू q है। इस टाइप का अगर है, इस टाइप का है, इसका ग्रामर कैसा होगा, इसका ग्रामर कैसा हम लिख सकते हैं, a इक्वल टू b करना है ना, तो एक पार्ट ab का है, एक पार्ट cd का है, यही है ना, हम क्या करेंगे s1 s2 यहां लेते हैं। ठीक है, s1 से हम क्या करते हैं, s1 से a s1 b और null, s2 से c एस टू डी और नल, यही ग्रामर हो गया।
एक ग्राम हो गया ना, ये क्या है एस वन है और एस टू है, पहले एस वन आएगा, पहले ए बी आएगा, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल होगा वो पहले आएगा, बाद में क्या है एस टू आएगा, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ डी इक्वल होगा वो बाद में आएगा। ग्रामर देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि ग्रामर के साथ में ये जो काम है ये हम लोग एक स्टैक से कर सकते हैं क्या, एक और देखते हैं। मान लो एम का वैल्यू हम लेते हैं टू, तो इसका वैल्यू भी एम इक्वल टू एन है तो टू बन गया, P का वैल्यू 3 लेते हैं तो Q का वैल्यू भी 3 बन गया, एक स्ट्रिंग बनाओ ठीक है। M इक्वल टू N वैल्यू कितना है 2, A और B कितना है 2 2 है, A A B B ठीक है, P Q कितना है 3 है, C कितना है 3 C 3 D ठीक है। अकाउंटिंग करना है कैसे, एक स्टैक से देखते हैं होगा या नहीं। हम क्या किए, एक स्टैक लिए, A किसके बराबर है B के बराबर है, C किसके बराबर है D के बराबर है, ए आया तो पुश करो, ए पुश कर दिए, ए को पुश कर दिए, बी आया तो ए को पॉप करो, बी आया पॉप किए, बी आया पॉप किए, ए भी ओवर हो गया, फिर अब सी आ रहा है, अब सी को पुश करो, सी कितना है 3 है, 3 सी हम पुश कर दिए, डी आया पॉप करो, 3 डी है पॉप कर लिए, हम बॉटम में आ गए, यहाँ भी स्ट्रिंग ओवर हो गया। मतलब क्या है, एक स्टैक से काम हो सकता है, मतलब ये लैंग्वेज कैसा बन गया, ए लैंग्वेज DCFL बन गया, एक स्टैक से भी हम काउंट कर ले रहे हैं पहला चीज। दूसरा चीज, किसको पुश करना है किससे पॉप करना है कोई कंफ्यूजन नहीं है, किससे पुश करना है किससे पॉप करना है उसमें भी यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब क्या है, DCFL लैंग्वेज हो गया है। ग्रामर कैसे लिखना है, यही तरीका से ग्रामर लिखना है ठीक है, ये देख लिए। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, इसमें बहुत सारा वेरिएशन पॉसिबल है, तो यहां लिखा क्या है ऑल केसेस, जो भी वेरिएशन पॉसिबल है सबको देखेंगे अभी हम लोग। जो भी इसमें वेरिएशन जितना भी पॉसिबल है वो सारे वेरिएशन को अभी हम लोग देखेंगे ठीक है। चलो ए मेरा ओवर हो गया, अब दूसरा देखते हैं क्या। मान लो ऐसा रहे m इक्वल टू क्यू और n इक्वल टू पी रहे ठीक है, m इक्वल टू क्यू n इक्वल टू पी। m इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है, m इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है, a है जो d के बराबर रहे, n इक्वल टू पी का मतलब क्या है, b है जो c के बराबर रहे। मतलब क्या है, किसके किसके बीच इक्वलिटी है, bc के बीच में इक्वलिटी एक है, एक ad के बीच में है, एक ad के बीच में है ठीक है। अब इसका ग्रामर हम कैसा लिख सकते हैं, इसे ग्रामर कैसे लिखेंगे उसको पहले देखेंगे। क्या है भाई, एस से मान लो हमें स्टार्ट करते हैं, इस से हमें स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं ए एस डी, ए और डी इक्वल होना चाहिए ना, स्टार्टिंग ए से करना है, ए एस ए एस वन डी मान लो हम कर लेते, अच्छा नहीं ए एस डी करते हैं, ए के बराबर डी होना चाहिए, और यहां पर मान लो एस वन हम कर लिए, यहां पर हम एस वन कर लिए ठीक है। एस वन के लिए अलग से हम प्रोडक्शन क्या लिखेंगे, ए और डी है जो एस से बन जा रहा है, बी और सी और बनाना है हम लोग को, तो बी एस वन सी, बी एस वन सी, बी और सी बना लिए, नल भी हो सकता है एस वन ठीक है, नल भी हो सकता है। अच्छा आप इसमें देखते हैं कोई अधूरा है क्या, एस से ए डी बना लेंगे, ए और लास्ट का डी, नंबर ऑफ ए डी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार यूज करेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ डी आना ही आना है। मान लो ए और डी नहीं है, ए और डी का वैल्यू मान लो जीरो है, केवल बी सी चाहिए, तो क्या होगा भाई, अगर बी सी चाहिए केवल, तो एस से डायरेक्टली हम एस वन पर चले जाएंगे और एस वन से बी सी हम बना लिए। अगर ए भी बी सी नहीं चाहिए तो नल कर लो, कोई भी स्ट्रिंग लो इससे बन जाएगा। जैसे क्या, मान लो एम का वैल्यू टू लेते हैं तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया, एन का वैल्यू हम थ्री लेते हैं, P का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया ठीक है। एक स्ट्रिंग बनाओ, M का वैल्यू कितना 2, A कितना है 2 बार आएगा 2A, Q आया, Q लास्ट में आना है ठीक है, D लास्ट में आना है। अब B पर आते हैं, B सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, सीक्वेंस को उलट मत देना ठीक है, B पावर N है, N का वैल्यू क्या है 3 है, तो B कितना है 3 बार आएगा ठीक है। C पावर P, P का वैल्यू क्या है 3 है, तो C 3 बार आया ठीक है। D पावर Q,
डी पावर क्यू है, क्यू का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ 2D आ गया। यही स्ट्रिंग बना है, यही स्ट्रिंग बना है। अब इस स्ट्रिंग को देखें क्या इस ग्रामर से हम बना सकते हैं या नहीं, इस ग्रामर से हम बना सकते हैं नहीं, तो इस ग्रामर से अगर एस से हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग कितना ए चाहिए, 2A चाहिए, 2A चाहिए ना, 2 बार इसको यूज करो, ए एस डी, फिर से एक बार करेंगे ए एस डी, 2A हम लोग का बन गया, ठीक है। अब क्या बनाना है हम लोग को, अब बी सी बनाना है, बी कितना है 3 चाहिए हम लोग को, तो एस वन पर चले आएंगे, यहाँ से एस वन पर चले आए, फिर एस वन से क्या करेंगे बी 3 बार चाहिए हम लोग को, तो बी एस वन सी, फिर से किए बी एस वन सी, फिर से बी एस वन सी, एस वन को नल कर लिए लास्ट में, ठीक है। अब देखो काउंट करो एक बार, ए ए 2A आया, फिर बी 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 3B आया, फिर लौट कर जाएंगे तो सी 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 3C आया, फिर डी डी 2D आया। देखो सेम स्ट्रिंग है यहाँ जो स्ट्रिंग लिखे हैं, एक ग्रामर से कोई भी स्ट्रिंग हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लिए हम लोग, अब देखते हैं कि इसमें काउंटिंग हम करेंगे कैसे, एक्चुअल में काउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब स्टैक का यूज हम कैसे करेंगे यहाँ पर काउंट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि स्टैक का हम यूज कैसे करने वाले हैं यहाँ पर काउंट करने के लिए। मान लो यहाँ हम स्टैक लेते हैं, यहाँ हम स्टैक लेते हैं, ए आया ना, हम पुश करेंगे ए को हम पुश करेंगे, ए आया, ए को हम पुश कर दिए। अब बी आया, ए और बी में कोई रिलेशन है क्या, ए का पावर क्या है एम है, बी का पावर क्या है एन है, एम और एन में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ए को हम पुश किए रहेंगे, फिर बी आया ना, बी के लिए भी हम बी को पुश कर लेंगे, बी बी 3B है पुश कर लिए। अब आया सी, सी का पावर क्या है पी, पी बराबर क्या है एन है, तो बी और सी इक्वल है ना, एक सी के लिए एक बी, सी कट किए, फिर से सी के लिए बी कट किए, फिर डी आया, डी के लिए एक ए को कट किए, फिर से डी आया, फिर ए को कट किए, यहाँ बॉटम में आ गए और स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया। तो एक स्टैक के हेल्प से काउंटिंग हम कर पा रहे हैं, ठीक है। जब एक स्टैक से हम काउंटिंग कर रहे हैं, एक स्टैक से क्या बन गया, ये बन गया DCFL। अगर ऐसा रहे, कंडीशन इस टाइप का रहे, तो DCFL लैंग्वेज होगा। हम देख लिए ग्रामर भी देख लिए और स्टैक के हेल्प से कैसे हम काउंटिंग करेंगे इसको, वो काउंटिंग का भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वेरिएशन क्या पॉसिबल है उसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर समझ जाओगे कभी भी दिक्कत नहीं होगा, CFL DCFL में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, और एक्चुअल में यही टाइप का क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ही देगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको भी हटाते हैं। चलो हम लोग क्या देख लिए, एक में क्या देखे, m इक्वल टू n है, मतलब ऐसा रिलेशन भी देख लिए, ये रिलेशन एक बार देख लिए, फिर उसके बाद अगला रिलेशन कैसा देखे हैं हम लोग, इस टाइप के रिलेशन को देख लिए, आउटर सेम रहे इनर सेम रहे, ऐसा ये रिलेशन भी देख लिए, ठीक है। अब मान लो एक और रिलेशन ऐसा रहे ए और सी और बी और डी, ऐसा रहे, मतलब क्या, ए का पावर क्या है एम, सी का पावर पी, एम इक्वल टू पी, एन इक्वल टू क्यू, ठीक है। देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, एन इक्वल टू क्यू ऐसा है तो पॉसिबल है नहीं, सिंपल देखो एक स्टैक लेते हैं, ठीक है, एक स्टैक लेते हैं, हम लोग करना क्या है, ए आया है ना, हम पुश करते हैं ए को, ठीक है। मान लो एम का वैल्यू कुछ ले लो, एम का वैल्यू मान लो 2 लेते हैं, एन का वैल्यू हम 3 लेते हैं, ठीक है, एम का वैल्यू 2 है, ए कितना बार आएगा, 2 बार ए आ गया, एम इक्वल टू पी है, सी है जो 2 टाइम्स है, लेकिन सी के पहले क्या है बी है, बी पावर एन, एन का वैल्यू क्या है 3 है, 3 टाइम्स बी लेते हैं, फिर C कितना आएगा पावर P, P का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, तो C C आ गया, उसके बाद में D का पावर Q है, Q का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3D आ गया, ठीक है, यही मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब देखो A आया तो मान लो हम पुश करते हैं,
ए आया तो हम पुश कर दिए, ठीक है, ए आया तो हम पुश कर दिए। फिर बी आया है, बी आया तो बी और ए इक्वल है क्या, बी और ए इक्वल है क्या, बी और ए में कोई रिलेशन है क्या, ए में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पर नहीं है। मतलब क्या, बी के लिए ए को कट तो नहीं हम करेंगे, कोई रिलेशन ही नहीं है, कट कैसे करेंगे। तो बी आया, बी को भी पुश करो, बी आया तो बी को भी हम यहाँ पर पुश कर दिए। कितना बी है, तीन बी है, थ्री बी है, बी को भी हम पुश कर दिए, ये भी इंड हो गया, खत्म हो गया। अब आया है सी, सी के साथ में किसका है रिलेशन, सी के साथ में क्या है, ए का रिलेशन है, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ ए इक्वल है, यही है ना। अब सी के लिए ए को कट करना है, लेकिन स्टैक का रूल क्या है कि टॉप से कुछ भी हो सकता है, पुश करेंगे वो भी टॉप में रहेगा, पॉप करेंगे वो भी टॉप से ही कर सकते हैं, बॉटम से नहीं कर सकते हैं। हम स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें वन साइड में ही पुश पॉप ऑपरेशन होता है, यहां से ही हम पुश कर सकते हैं, यहां से ही हम पॉप कर सकते हैं, इस साइड से हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एरे होता है, जैसे एरे होता है इसमें रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, कहीं का भी किसी को हम एक्सेस कर लेंगे। या फिर क्यू होता है, क्यू होता है इसमें इन क्यू ऑपरेशन इधर करेंगे, यहां से डी क्यू ऑपरेशन करते हैं। इन क्यू मतलब पुश करना, स्टोर करना, डी क्यू मतलब कि पॉप करना, रिट्रीव करना, दूसरे दूसरे इंड से होता है। वैसे ही स्टैक का रूल क्या है कि स्टोर करना और रिट्रीव करना, पुश करना पॉप करना, दोनों वन इंड से ही होगा, एक ही इंड से होगा। जब एक ही इंड से होगा, जब एक इंड से होगा मतलब कि यहां पर सी के लिए हम ए को कैसे काउंट करेंगे, बीच में बी आ रहा है। मान लो हम क्या सोचे कि अच्छा बी आया है, बी को हम इग्नोर करते हैं, बी को हम हटा लेते हैं पहले ही, ठीक है हटा लो कोई दिक्कत नहीं है, सी आया सी से कट करो इसको, फिर से सी आया फिर से इसको कट करो। अब डी कैसे काउंट करोगे बताओ, डी काउंट करने के लिए बी रहना चाहिए था ना, डी को काउंट करने के लिए बी रहना चाहिए था, लेकिन बी नहीं, बी नहीं है। ए को कट करने के चक्कर में सी को जब हम काउंट किए, सी को काउंट करने के चक्कर में बी को हम हटा चुके हैं। मतलब क्या है, इस टाइप का अगर रिलेशन रहे, ऐसा रिलेशन रहे बीच में, इसमें पुश पॉप क्लियर नहीं है, नहीं कर सकते हैं पुश पॉप, हम काउंटिंग ही नहीं पॉसिबल है। मतलब क्या है कि ये सी एफ एल नहीं है, ये क्या है, सी एफ एल नहीं है। इस टाइप का कंडीशन अगर गिवन रहे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि सीएफएल नहीं है। सिंपल जानो क्वेश्चन अगर है, इस तरह क्वेश्चन कभी भी है, एक वैल्यू ले लो, एक स्टैक बनाओ, पुश पॉप करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, ये देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिंपल सोचो क्या, अच्छा ए के लिए पुश करेंगे, बी आया तो ये पॉप नहीं कर सकते क्योंकि बी का रिलेशन इससे है, बी को भी पुश कर दिए। जब सी आया तो ए को पॉप करना है लेकिन बीच में बी आ रहा है, सी आया तो ए को पॉप करना है लेकिन बीच में बी आ रहा है, पॉप नहीं कर सकते हैं ए को हम। मतलब क्या है, सी एफ एल नहीं है, सी एफ एल नहीं है। अब देखेंगे सी एस एल है क्या, सी एस एल है क्या, दो अस्टैक लेंगे तो देखो तो सी एस एल है या नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो अस्टैक हम लेते हैं, ए आया, जब ए आया दो ए को पुश कर दो, दो ए को पुश कर दिए, ठीक है। बी आया दूसरे वाले में हम करते हैं, दूसरे वाले अस्टैक भी तो है मेरे पास, बी कर दिए। C आया यहाँ C के लिए पॉप किए, D आया D के लिए यहाँ से पॉप किए, दो अस्टैक से ये काम हम कर सकते हैं। एक अस्टैक से नहीं हो रहा था लेकिन दो अस्टैक से हो जाएगा ये काम। मतलब क्या है कि इस टाइप का लैंग्वेज जो रहेगा, जो क्या लैंग्वेज रहेगा, इस टाइप का लैंग्वेज क्या रहेगा, सी एस एल लैंग्वेज, इस टाइप का सी एस एल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, अब देखते हैं इसका और भी कोई वेरिएशन पॉसिबल है क्या, एकदम आराम से देखो समझ में आएगा। अगर कोई कहीं भी डाउट लग रहा है थोड़ा सा रिप्ले करो, समझ में आ जाएगा, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली रनिंग में ही समझ में आ गया होगा, बहुत सारा हम खुद ही रिपीटेशन कर लेते हैं। इसके बाद और क्या वेरिएशन होगा, इसको इसको कंपेयर कर ही लिए, यही तीन ही वेरिएशन मिल रही है, यही तीन वेरिएशन, और कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या करो, साइड बाय साइड पहले ही कर चुके हैं, ए को बी से भी कंपेयर कर चुके हैं, ए को बी से करते हैं सी को डी से, तब पॉसिबल होता है जो पहला केस मेरा है। दूसरा, ए को डी से करते हैं, बी को सी से करते हैं, ये भी पॉसिबल है डीसीएफएल में,
जब ए को सी से करते हैं, बी को डी से करते हैं, पॉसिबल नहीं रहता, सी एस एल बन जाता है। ठीक है, तो ये भी वेरिएशन हम लोग इसका देख लिए, ए वेरिएशन भी हम लोग देख लिए। इसके बाद में क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो, सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, सिक्स नंबर को देखते हैं एक बार। दो ही वेरिएबल, दो अल्फाबेट ही है, लेकिन इसका कंडीशन कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। यहां पर है दो ही वेरिएबल है, दो ही अल्फाबेट है, लेकिन कंडीशन थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। क्या कंडीशन यहां गिवन है, सिक्स वाले में ए पावर एम बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एन, वेयर एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू थ्री एन, लेस देन इक्वल टू थ्री एन। ठीक है, ऐसा कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, अच्छा इसको अच्छा से लिखो, लाइन से लिखते हैं, ला एन है, एम है बीच में ना, एम है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू थ्री एन। चलो ये कंडीशन है गिवन है हम लोग का, यही कंडीशन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि एम है जो एन के बराबर भी रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एम है जो एन के बराबर रह सकता है, मतलब क्या है, एम बराबर एन भी हो सकता है, एम बराबर टू एन भी हो सकता है, एम बराबर थ्री एन भी हो सकता है। तीन कंडीशन का है, क्या है, यूनियन है, तीन कंडीशन का यूनियन है। कभी m इक्वल टू n हो जाए, m क्या वैल्यू, क्या मिनिमम n है, मैक्सिमम क्या है, थ्री एन है, तो m बराबर n हो जाएगा, कभी m बराबर टू एन हो जाएगा, कभी m बराबर थ्री एन हो जाएगा, तीन डिफरेंट वैल्यू है। इस तीनों का यूनियन है जो ये क्वेश्चन में है। मतलब क्या है कि m बराबर n रहेगा तो क्या है, अगर m बराबर n रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, m n बराबर है, a और b बराबर है, क्या बोलेंगे इसको, हम DCFL बोल लेंगे। m बराबर 2n है, m बराबर 2n है, ट्वाइस के लिए भी हम देख लिए हैं DCFL में, ट्वाइस के लिए भी जब हम केस देख रहे थे। अच्छा यहां पर जो एग्जांपल में हम बताए थे, हम क्या बोले थे, अगर a है, अगर इस टाइप से है a, a पावर n b पावर 2n ऐसा रहे, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि n का वैल्यू अगर 2 लिए हैं तो b 4 टाइम्स आया, a है जो 2 टाइम्स आया, क्या करेंगे भाई, 1a के लिए 2a को पुश कर लो, या फिर 2b के लिए 1a को पॉप करो। ये क्या था, DCFL में आया था, मतलब कि a भी है जो मेरा DCFL लैंग्वेज है, a भी मेरा DCFL लैंग्वेज है, ये भी DCFL है, लेकिन इस तीनों का यूनियन क्या होगा, इस तीनों का यूनियन क्या होगा, DCFL होगा क्या, DCFL नहीं होगा, कैसा होगा, ये बन जाएगा CFL लैंग्वेज, ये क्या बनेगा, CFL लैंग्वेज बनेगा, ये CFL लैंग्वेज बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग किसको फॉलो करेगा, कभी इसको फॉलो कर सकता है, कभी इसको फॉलो करेगा, कभी इसको फॉलो करेगा। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं कि 1a के लिए 2a को पुश करो, अगर ऐसा रहे, ऐसा रहे, अगर a पावर n b पावर 2n, 1a के लिए 2a को पुश करना है। ठीक है, अब मान लो ऐसा रहे a पावर n b पावर n, क्या करना है, 1a के लिए 1a को ही पुश करना है। ठीक है, मान लो ऐसा रहे a पावर n b पावर 3n, क्या करना है, 1a के लिए 3a को पुश करना है, 3a को पुश करना है। यहां पर 1a के लिए 2 टाइम्स a पुश करो, यहां 1 के लिए 1 पुश करो, यहां 1a के लिए 3 टाइम्स पुश करो, तीन अलग अलग, तीन डिफरेंट है, ये तीनों खुद में DCFL है। इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये DCFL बन जाएगा, ए भी है जो, ए भी DCFL है इंडिविजुअली, ए भी DCFL है, लेकिन इस तीनों का यूनियन अगर हम लेते हैं, अगर हम कंप्लीट इसका यूनियन हम ले लेते हैं, इसका यूनियन क्या बनेगा, इसका यूनियन बनेगा CFL, इसके चलते ही इसका यूनियन क्या है, CFL बन रहा है। क्योंकि कोई स्ट्रिंग मान लो हम ऐसा ले लें, ए बी बी बी, ठीक है, अब काउंट करने के लिए करे, अच्छा ए
बी बी बी, एक और बी मान लेते हैं। अब काउंट करने के लिए हम क्या करें, हम इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें, हमें को नहीं पता है, समझ रहे बात को। तो ये कंफ्यूजन है जब कि इसको फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, मतलब कि डीसीएफएल नहीं होगा, क्या रहेगा, सीएफएल रहेगा। सीएफएल एक काम कर सकता है क्योंकि एनपीडीए मशीन होता है, तीनों ऑप्शन देखेगा, इसको देखेगा इसके अकॉर्डिंग करके, फिर इसको इसके अकॉर्डिंग करेगा, फिर इसको इसके अकॉर्डिंग करेगा, जो भी पॉसिबिलिटी है सबको चेक करेगा, किसी एक में फिट बैठ रहा है सही कर लेगा वो। लेकिन डीसीएफएल ऐसा नहीं कर सकता, डीसीएफएल बस एक ही रास्ते पर जाएगा। सीएफएल क्या है, जितना पॉसिबल रास्ता है सबको चेक कर लिया, जितना भी पॉसिबल रास्ता होगा सबको चेक कर रहा है, ठीक है, तो ये बनेगा सीएफएल। अब इसका ग्रामर कैसा होगा, अब एक बात आता है कि लैंग्वेज क्या है, स्टैक से कर सकते हैं या नहीं, डीसीएफएल है या सीएफएल है, तो हम देख लिए। अब आता है कि इसका ग्रामर कैसा लिखेंगे भाई, इसका क्या ग्रामर लिखेंगे, ग्रामर कैसे लिखते थे, एस गोज टू, अगर एन इक्वल टू, अगर दोनों एन रहता है तो क्या लिखते हैं, ए एस बी, दोनों इक्वल होता है, या फिर अगर एक ट्वाइस रहता है, अगर बी ट्वाइस रहता है, टू एन रहता है, ए पावर एन बी पावर टू एन रहता है, तब कैसे लिखते हैं हम लोग, तब लिखते हैं ए एस बी बी, या फिर अगर ए पावर एन बी पावर थ्री एन रहे तब कैसे लिखेंगे, ए एस बी बी बी। तो ये ऐसा हम लिखते हैं, ये भी पॉसिबल है, m इक्वल टू n के लिए ये पॉसिबल है, m इक्वल टू टू एन के लिए ये पॉसिबल है, और अच्छा m इक्वल टू टू एन है, m इक्वल टू एन है, मान लो n का वैल्यू टू लेते हैं तो m का वैल्यू फोर हो गया। अच्छा n m ऐसे कर लो इसको, n अगर a है मान लो m a रहे, ठीक है, n a है m a रहे, ठीक है, क्या है भाई, n का वैल्यू अगर 2 लिए तो m क्या है 4 हो गया, b है जो 4 हो गया, b ट्वाइस हो गया, a का ट्वाइस b ले लिए, इक्वल अगर m बराबर n तो इक्वल इक्वल लिए हैं, अगर थ्राइस है थ्री टाइम्स है, अगर b का वैल्यू थ्री टाइम्स है तो थ्री टाइम्स b ले लिए, या फिर नल ले सकते हैं, m ने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर है, अगर यहाँ पर m n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे, नल भी ले लिए। यही मेरा ग्रामर हो गया, यही मेरा ग्रामर हो गया, यही मेरा ग्रामर हो गया। तीन केस है ना, तीन केस है ना, तीनों के लिए हम ले लेंगे, तीनों केस के लिए लेंगे हम ग्रामर, तीनों केस के लिए प्रोडक्शन ले लिया, अब इससे जितना भी स्ट्रिंग रहेगा सबके सब बन जाएगा, जितना भी स्ट्रिंग रहेगा सबके सब स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, सिंगल हैशटैग से कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं सिंगल हैशटैग से, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है कि कैसे काउंट करना है, कितना पुश करना है, कितना पॉप करना है, मतलब क्या, एक हैशटैग से अगर कर सकते हैं तो सीएफएल है, कंफर्मेशन नहीं है तो डीसीएफएल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली डीसीएफएल सबके सब है और डीसीएफएल का यूनियन है जो सीएफएल होता है, डीसीएफएल है जो यूनियन के लिए क्लोज नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख लिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग का ओवर हो गया, ये क्वेश्चन भी सिक्स क्वेश्चन भी ओवर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग सीखे इस क्लास में, हम लोग क्या सीखे कि DCFL है या नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना सीख गए हम लोग, कोई लैंग्वेज गिवन है तो CFL लैंग्वेज है या फिर DCFL भी है इसका आइडेंटिफिकेशन समझ गए हम लोग, या फिर CSL है, अगर एक स्टैक से काम नहीं हो रहा है तो CSL लैंग्वेज होगा, एक स्टैक से नहीं काम हो रहा दो स्टैक का रिक्वायरमेंट है तो CSL लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, ग्रामर लिखना तो जान ही रहे थे, ग्रामर भी लिखना देख लिए हम लोग, ठीक है। एग्जांपल ओवर हो गया, काउंटिंग कंपैरिजन विद ऑर्डर है जो ओवर हो गया, पहला जो वेरिएशन था मेरा, पहला वेरिएशन ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर, इसमें ऑर्डर नहीं रहे, ठीक है। यहाँ क्या था, विथ ऑर्डर था, मतलब ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद में सी आना चाहिए, ठीक है, विथ ऑर्डर के लिए देख लिए हैं। अब देखेंगे विदाउट ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर नहीं है, जैसे क्या, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ वन, कहीं भी जीरो वन आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ जीरो है जो वन के बराबर है, नंबर ऑफ जीरो है जो वन के बराबर है। जैसे एक रफ लैंग्वेज अगर बात करें, अगर इसका एक स्ट्रिंग लिखते हैं जीरो जीरो वन जीरो वन वन,
जीरो वन क्या है, एक दो तीन चार जीरो और चार ओवन। करना क्या है, एक स्टैक ले लेंगे, जीरो आया तो पुश करो, ओवन आया तो पॉप करो, जिससे स्टार्ट हुआ है उसको पुश करना है, जिससे स्टार्ट हुआ उसको पुश के लिए रख लो, ठीक है। जीरो आया है ना, जीरो पुश किए, फिर से जीरो आया, फिर से जीरो पुश किए, ओवन आ गया पॉप कर लिए, फिर से जीरो आया है पुश कर दिए, फिर से ओवन आया पॉप कर लिए, फिर से ओवन आया इसको भी पॉप कर दिए, फिर से जीरो आया पुश कर दिए, फिर से ओवन आया इसको पॉप कर लिए, यहां भी बॉटम में आ गए, स्ट्रिंग भी ओवर हो गया। एक स्टैक से हम काम कर ले रहे हैं, एक स्टैक से काम कर रहे हैं। पुश पॉप किसको करना है भाई, पुश पॉप किसको करना है, एक इंफॉर्मेशन है कि जो पहला स्टार्ट जीरो वन दो ही अल्फाबेट है ना, जिससे स्टार्ट हो जाए उसको पुश करना है, स्टार्ट करो, एक इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या है, लैंग्वेज कैसा बन गया, लैंग्वेज डीसीएफएल लैंग्वेज बनेगा। इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, जितना भी एग्जांपल है सारा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ देखे हैं विथ ऑर्डर के लिए देखे हैं, विदाउट ऑर्डर के लिए भी सेम ऐसे ही देखेंगे, उसके बाद में हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग का देखते हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं विथ ऑर्डर के लिए, इसको अच्छे से देख लो, एक बार रिविजन कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चन है कहीं भी, कोई किताब का क्वेश्चन रहे, कोई कोचिंग का क्वेश्चन रहे, जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, सबके सब क्वेश्चन बनाओ, जितना वेरिएशन हम बताए हैं उसमें से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा और सब क्वेश्चन बनेगा। फिर एक बार अच्छे से बना लो, फिर नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं विदाउट ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, पढ़ो फिर अच्छे से।